विद दिस मेकअप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप भी किया है बट एट यू विल ब्यूटिफुल तो चलिए देखते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है लेकिन गाइज अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आप और कौन से मेकअप लुक्स देखना चाहते हो मुझ पर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फादर टू लेट्स गेट स्टार्ट रेड साड़ी के साथ ये रेड और गोल्डन कंट्रास्ट के जुम मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैंने इनके साथ इसी को पेयर किया इसके बाद अब स्किन को प्रेप करने की बारी आती है फेस को मैंने अच्छे से वॉश किया था विद फेस वॉश नाउ मैं फेस को टोन कर रही हूँ मैं एक टोनर अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मेरे फेस पर अच्छी सी रिफ्रेशमेंट रहे नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ सीरम अप्लाई कर रही हूं अपने फेस पर लॉरियल पेरिस का हायरलोनिक सीरम है बहुत ही अच्छा और यू नो ग्लोइंग सीरम है इसको लगाते ही मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है तो मैंने सीरम को बहुत अच्छे से अपने स्किन में अप्लाई किया उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की तो मैं यहाँ मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस को अच्छे से अप्लाई करना है मॉइस्चराइज करना है स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए अगर स्किन ड्राई होगी तो ऑफ़कोर्स मेकअप अच्छे से नहीं होगा ही रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा तो स्किन को प्रेप करना इतना इंपॉर्टेंट होता है मॉइस्चराइजर को पूरे फेस पर अच्छे से मैंने ब्लेंड किया उसके बाद बारी आती है अंडर आइज़ की मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम मैंने अप्लाई की है इन फिंगर से अंडर आइज को भी अच्छे से प्रेप करना है बारी आती है लिप्स को मॉइस्चराइज करने की तो मैं यहाँ है ब्लू हेवन का लिप बम अप्लाई कर रही हूँ स्किन केयर हो चुका है नाउ स्किन केयर के एग्जैक्ट बाद आपको मेकअप अप्लाई नहीं करना है वेट फॉर एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर अपने जितने भी पोर्स हैं उसको ब्लर आउट करने के लिए एक स्मूथ सा सरफेस मिल सके इसलिए प्राइमर अप्लाई करना इज इम्पॉर्टेंट काइज ओके नेक्स्ट मैं यहाँ एन वाई बे की स्ट्रोप क्रीम अप्लाई कर रही हूँ टू हैव दैट ब्यूटिफुल शीन ऑन माई फेस बिफोर एनी मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल है इसमें ऐसा पिंकिश सा टोन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इसको लगा के एक्चुअली आपका फेस ग्लो करता है ओके okay, बारी आती है कलर करेक्टर की तो मेरी क्योंकि अंडर आईज में बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है गाइस तो इसलिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करना पड़ता है अगर आपको लेस है तो आप पीच कलर का भी कलर करेक्टर यूज कर सकते हो तो मैंने अपने अंडर आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया कलर करेक्टर बारी आती है फाउंडेशन की फाउंडेशन मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड लिया एंड देन डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी देन मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का ब्रश लिया है फाउंडेशन ब्रश तो मैं ब्रश से आज ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन टू हैव फुल कवरेज सर मुझे लगता है अगर आप ब्रश से फाउंडेशन को ब्लेंड करो तो जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है तो क्योंकि नाइट मेकअप होने वाला है थोड़ी सी कवरेज अच्छी चाहिए होगी तो इसलिए मैं यहाँ फ़ाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ विथ दी ब्रश ऑलवेज से टेक टाइम इन ब्लैंडिंग बिकॉज ब्लैंडिंग इज द की बहुत सारे इन्फ्लुंसर से मैंने सुना भी है मैंने ये सीखा भी है तो ब्लैंडिंग इज एक्चुअली अ की जब तक आपकी ब्लैंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका मेकअप फॉलेस नहीं लगेगा तो गिव टाइम इन ब्लैंडिंग स्पेशली गाइज अगर फाउंडेशन कंसील और स्पेशली आपके जो आई मेकअप होता है उसमें ब्लैंडिंग में आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान देना है ओके ठीक है जी यहाँ मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ब्लैंड हो गया है लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके फेस पर ब्रश स्ट्रोक्स हैं तो यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल मुझे लगा तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को भी यूज़ कर रही हूँ सो दैट किसी भी तरह के अगर ब्रश स्ट्रोक्स हैं तो वो ठीक हो जाए ठीक है जी नेक्स्ट बारी आती है कंसीलर की तो मैं यह हिलाड़ी रोटा का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ एरिया पे और अपने आई पर भी मैं अप्लाई करूँगी अपने फॉरहेड पर अपने ब्रिज ऑफ द नोज अपने यू you नो know, अपर लिप पे अपने चिन पर कंसीलर अप्लाई करने के बाद आई विल यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो जाता है वैसे सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है किसको क्या चीज़ पसंद आ रही है जिसको ब्रश पसंद है वो ब्रश से यूज़ कर सकता है जिसको ब्यूटी ब्लेंडर पसंद है तो वो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकता है तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है मुझे पर्सनली लाल लोटा का कंसीलर पसंद आ रहा है मैं इसको रेगुलर यूज़ में भी इस्तेमाल कर रही हूँ कंसीलर ब्लेंड हो चुका है गाइस बारी आती है कॉन्टोरिंग की तो सारे क्रीम प्रोडक्ट्स मैं पहले ही यूज़ कर लूंगी सो दैट एंड में मैं अपने बेस को सेट करूं तो कॉन्टोर मैंने अप्लाई कर लिया है क्रीम कॉन्टोर मैं यहाँ कर रही हूँ मैंने अपने चीक्स पर अपनी जॉ लाइन पर फॉरहेड पर नोज पर अच्छे से अप्लाई किया है कॉन्टोर एंड देन मैं उसको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी क्रीम प्रोडक्ट है क्योंकि तो इसलिए कवरेज अच्छी मिलेगी उस पर्पज़ से मैं ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ अदरवाइज़ यूजली मैं ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा मुझे ब्लेंडर से ज़्यादा ईजी लगता है एक्चुअली चीक्स पर जॉ लाइन पर मैंने कॉन्टोर uh, ब्लेंड कर लिया है अब मैं फॉरहेड पर ब्लेंड कर रही हूँ काइज कॉन्टोरिंग में फोकस करना है जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि टेक योर टाइम इन ब्लेंडिंग स्पेशली पूरे फेस पर यहाँ वहाँ फैलाना नहीं है जिस जगह पर आप लगा रहे हो उस जगह पर ही आपको प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है ठीक है जी बारी आती है ब्लश की तो मैंने यहाँ एक बुलेट लिपस्टिक ली रेड कलर की डीप रेड नहीं था उसका थोड़ा सा लेस रेड था तो उस लिपस्टिक को मैंने अपने चीक्स पर अप्लाई किया और एट द सेम प्लेस मैंने ब्लेंड किया विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर ठीक है जी बारी आती है इसको पैक करने की तो मैं लूज पाउडर से अपने फेस को पैक कर रही हूँ अपने अंडर आइज पे अपने जॉ लाइन पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर में ही लूज़ पाउडर को लेके अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मेरे फेस में एक अच्छी सी शार्पनेस मुझे नज़र आए और जितना भी मैंने लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई किया है वो अपनी जगह पर अच्छे से प्लेस हो जाए ठीक है बारी आती है अब आईब्रोज को फिल करने की मैंने पाउडर को एज इट इज प्लेस पर छोड़ दिया है तब तक वो सेट होगा तो मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी आईब्रोज मेरी यहाँ फिल हो चुकी है उसके बाद अब ये पाउडर जितना भी मेरे फेस पर अप्लाई किया हुआ है मैंने उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से तो जो मेरे फेस पर पाउडर है उसी पाउडर को मैं पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी सो दैट मुझे एक्स्ट्रा पाउडर की ज़रूरत ना पड़े जब आप ये वाला स्टेप करोगे देन यू विल फाइंड कि आपका फेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है आपका बेस मेकअप आपको इतना पसंद आएगा पर्सनली आप ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना ठीक है जी बारी आती है अब आई मेकअप की क्योंकि मैंने सिंपल मेकअप ही रखने की सोची है तो मैं बहुत ही लाइट कलर्स एकदम न्यूट कलर्स ही अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिट्स पर मैंने एक यू नो ब्राउन कलर पिक किया है विच इज इन लाइटेस्ट कलर वो मैंने अपनी आईलिट्स पर अप्लाई किया आई अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं मैंने एक एंगल्ड ब्रश लिया और एक ब्लैक आई को ठीक आई के ऊपर स्टैम्प करूंगी ताकि मुझे आईलाइनर इफेक्ट मिले बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट अप्लाइंग एनी आईलाइनर सिर्फ आई ब्लैक आई शेडो को प्लेस करेंगे और उसको स्मच कर देंगे ताकि एक एक स्मोकी सा इफेक्ट मिले दैट्स इट इतना ही हम आई मेकअप करने वाले हैं बहुत ही सुंदर लगेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द मेकअप ठीक है जी ओके okay, मैंने अपनी आई को कर्ल किया उसके बाद मैं यहाँ मे बी इनका मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई लैश पर भी अपने अपर लैश लाइन पर और अपने लोअर लैश लाइन पर भी क्योंकि हम फॉल्सिस अप्लाई नहीं करने वाले हैं तो दो तीन कोट आप आराम से लगा सकते हो मस्कारा का सो दैट आपको अच्छा इफेक्ट मिले आई पर फॉर लिपस्टिक आई एम नॉट अप्लाइंग रेड लिपस्टिक क्योंकि थोड़ा सा सिंपल और मिनिमल मेकअप रखने वाले हैं क्योंकि हम तो मैंने एक रेड लिपस्टिक को सिर्फ आउटलाइन पर अप्लाई किया है और उसको थोड़ा सा समझ कर दिया अंदर की तरफ एंड देन मैंने एक न्यू यू नो थोड़ा सा ब्राउन न्यूड कलर पिक किया है जो रेड का इफेक्ट देती है बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रेड कलर तो वही कलर मैंने अप्लाई किया है बहुत सुंदर लग रहा था इन पर्सन कैमरे में मे बी ऐसा लग रहा है ये रेड कलर है बट दिस इज़ नॉट द रेड कलर एक्चुअली ठीक है बारी आती है हाईलाइटिंग की तो मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स पर टू हैव अ दैट ब्यूटिफुल ग्लो ऑन माई फेस ठीक है ओके एंड मैंने सोचा काजल लगाऊं नहीं लगाऊं तो फाइनली फिर मैंने ब्लैक काजल की जगह वाइट काजल अप्लाई किया है फॉर द फाइनल स्टेप मेकअप को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है अपने पूरे फेस पे एंड देन इसको एयर ड्राई होने देंगे ओके okay, जी दिस इज द फाइनल लुक गाइज आई होप यू लाइक दीडियो मेकअप को मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है सो so दिन को प्रॉब्लम ना हो मेकअप क्रिएट करने में आई होप यू लाइक दीडियो लुक विच आई हैप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमेंट करके बताइए की आप कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन टेक केयर बाय बाय लव यू